तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मौजूद रहने वाले, वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बालूर घाट में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और साथ साथ में दौलतपुर, दक्षिण दिनाजपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह की रैली आज होने जा रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह बालूर घाट से। बीजेपी उम्मीदवार है सुकांत मजूमदार, और उन्हीं के लिए वोट मांगते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज नजर आने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के दौरे जारी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, और आज गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में मौजूद रहने वाले सुकांत मजूमदार के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं, रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। कई सारे कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। बालूर घाट में रैली रखी गई है, उसको संबोधित गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। साथ साथ में दौलतपुर, दक्षिण दिनाजपुर में भी रैली उनके द्वारा आज की जाएगी। तो बालूर घाट से बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। 400 पार का नारा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के द्वारा गूंजता हुआ नजर आएगा।